हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। दोस्तों, आज हम नई इकाई का अभ्यास करेंगे। आज हम इकाई नंबर 14, हम भारत की शान है। दोस्तों, शान यानी प्रतिष्ठा, गौरव। हम भारत की प्रतिष्ठा है तो भारत की प्रतिष्ठा कौन है? बच्चे। बच्चे भारत की प्रतिष्ठा है तो इस कविता में हम बच्चे इस देश के बारे में ऐसा क्या कार्य करना चाहते हैं उसके हम परिचित होंगे। तो इस कविता में सबसे पहले हम कविता का राग सीखेंगे और उसके बाद हम कविता का भावार्थ सीखेंगे। तो चलिए विद्यार्थी मित्रों, हम इस कविता का भावार्थ समझते हैं। हम भारत की शान है। हम भारत की शान यानी कि प्रतिष्ठा, गौरव है। तो भारत देश की शान कौन है? तो बच्चे देश का भविष्य है। बच्चे देश का भविष्य है क्योंकि आगे बड़े होकर वे श्रेष्ठ नागरिक बनेंगे और देश को प्रगति के पंथ पर ले जाएंगे। ऐसे कार्य करेंगे जिससे देश का नाम पूरे विश्व में रोशन हो सके और इसी वजह से हमारे देश की प्रतिष्ठा में बढ़ती होगी। तो इसीलिए बच्चे देश का भविष्य है, वे हमारे देश की शान है। इस कविता में बच्चे बता रहे हैं कि वे कैसे कैसे काम करके देश को आगे बढ़ाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस कविता में छोटे छोटे बच्चे अपनी अभिलाषा, अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि वे किस प्रकार कैसे कार्य करेंगे, उनकी इच्छाएं क्या हैं देश के प्रति कुछ करने की, तो वो इस कविता में हमें समझाया गया है। तो अब हम इस कविता का सबसे पहले राग सुनेंगे और मेरे साथ आप लोग गाएंगे। ओके फ्रेंड्स। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी फैलाया आसमान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी फैला यह आसमान है। फूल है हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है। बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। फूल है हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है। बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। बड़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। बड़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। बड़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने इस कविता का राग सुना। अब हम इस कविता का भावार्थ समझने का प्रयत्न करते हैं। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी फैला यह आसमान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हमें छोटे छोटे मत समझो, नन्हे यानि छोटे, क्योंकि हम भारत की प्रतिष्ठा है। शान यानि गौरव, प्रतिष्ठा है। हमें नन्हे समझने की भूल न करें। हमसे ही है धरती सारी, हमसे ही सारी धरती टिकी हुई है। और फैला यह आसमान है यानी यह आसमान भी हमसे ही फैला हुआ है। फ्रेंड्स, हम देश की सेवा किस किस प्रकार कर सकते हैं? तो हम देश की सेवा आदर्श छात्र बनकर और अच्छी पढ़ाई करके बन सकते हैं। हमारे आसपास की स्वच्छता का ध्यान रखते हुए हम श्रेष्ठ नागरिक बन सकते हैं और देश की सेवा कर सकते हैं। जैसे कि
हम गंदगी न फैलाएं, हम स्वच्छता का ध्यान रखें। इधर उधर कूड़ा कचरा अगर दिखाई दे रहा है तो हम उसे उठाकर कूड़ेदान में डालेंगे। तो इस प्रकार हम धरती को स्वच्छ बनाएंगे, अपने देश को स्वच्छ बनाएंगे, तो हम इस प्रकार भी अपने देश की सेवा कर सकते हैं। बड़े होकर अच्छे नागरिक बनेंगे, हमारे देश के हर एक नियम का पालन करेंगे और देश के अच्छाई में, देश को आगे बढ़ाने के लिए उनकी प्रगति में हम हमेशा अपने योगदान देते रहेंगे। पूरी निष्ठा से हमारा फर्ज अदा करके हम सेवा कर सकते हैं और देश के विकास में संपूर्ण योगदान देकर जो चाहे जितना चाहे हम ऐसे कार्य करें कि हमारे देश का नाम पूरे विश्व में रोशन हो और हमारे देश में प्रगति हो, लोगों को रोजगारी मिले और साक्षरता आए, सभी पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। कोई भी व्यक्ति हमारे देश में भूखा न सोए, तो हम ऐसे कार्य करके भी हमारे देश की मदद कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। फूल है हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है। हम इस बगिया यानी कि उद्यान, बगीचा, ये धरती रूपी बगिया के हम फूल हैं, उपवन के हम फूल हैं। हमारा काम खुशबू फैलाना है। फूल का काम क्या है? खुशबू फैलाना है। फूल हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। रंग बेरंगी फूल सभी को प्रिय होते हैं। फूलों को देखकर हम ताजगी का अनुभव करते हैं। फ्रेंड्स, हम बगिया में जाते हैं तो हमारा पूरा जो मन है वो प्रसन्नता से भर जाता है। हम हमारे सारे दुख भूलकर नई दुनिया में आ जाते हैं। फूलों को देखकर हमें भी एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। यानी कि फूलों की तरह हम ऐसे कार्य करके धरती पर सुवास, खुशबू, महक फैलाएंगे। हम ऐसे कार्य करेंगे जिससे हमारे देश की प्रगति हो, हमारे देश का नाम पूरे विश्व में फैले, हमारे देश का गुणगान हो, गौरव बढ़े। तो इस प्रकार हम महान काम करके ही इस प्रकार आगे ही आगे बढ़ते रहेंगे। ऊँचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। ऊँचे उठना, यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि प्रगति करना, उन्नति करना। तो हमें प्रगति करते रहना है और प्रगति करते करते आगे ही बढ़ते रहना है। बढ़े चलेंगे, नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। हम बढ़ते ही रहेंगे यानी कि हम प्रगति करते ही रहेंगे, अपनी उन्नति करते ही रहेंगे और कभी भी हम नहीं रुकेंगे। हमें चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी विपत्ति आए, संकट आए, हमें निष्फलता मिले, मगर हम हिम्मत न हारकर हमेशा आगे ही बढ़ते जाएंगे और इस प्रकार हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, उन्नति करेंगे, क्योंकि हम भारत की प्रतिष्ठा है, हम भारत की शान है। तो फ्रेंड्स, इस कविता में बच्चे देश की शान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए क्या क्या करेंगे तो यह बात बताई गई है। तो आप भी देश की शान बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप क्या कर सकते हैं? आप नियमित स्कूल जाकर अच्छी तरह पढ़ाई करके, शिष्टाचार पूर्ण व्यवहार करके अपने स्कूल, अपने मोहल्ले और गांव की सफाई का ध्यान रखते हुए बड़े होकर देश का अच्छा नागरिक बनकर, देश के साथ कभी भी गद्दारी नहीं करके और सार्वजनिक जो संपत्ति है उसका रक्षण करके हम देश की प्रगति कर सकते हैं, तरक्की में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार हम देश की शान बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं और इस कविता में छोटे छोटे बच्चे बड़े होकर
किस प्रकार अपने देश के लिए करना चाहते हैं और किस प्रकार देश के प्रतिष्ठा में बढ़ावा करना चाहते हैं, गौरव बढ़ाना चाहते हैं और देश की सेवा किस प्रकार करना चाहते हैं, यह भावार्थ हमने इस कविता में सीखा है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप लोगों ने इस कविता का भावार्थ समझ लिया है और आपको भावार्थ संपूर्ण समझ में आ भी गया होगा। अब हम इस कविता के शब्दार्थ को समझेंगे। शब्दार्थ: बगिया बगीचा उपवन, शान प्रतिष्ठा गौरव, खुशबू सुगंध महक, आसमान आकाश गगन। फ्रेंड्स, अगले वीडियो में अभ्यास के प्रश्नों की ओर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। बाय, टेक केयर।